फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल और इजी मोबाइल रिपेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक मोबाइल आया है शॉप पे जो कि जियो का 320B मॉडल है, 320B मॉडल है, जिसमें कि चार्जिंग का इशू है, चार्जिंग नहीं हो रही है इसमें। तो हम इसमें सबसे पहले चार्जिंग जैक को रिप्लेस करके देखेंगे, चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेस करेंगे, फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा न्यू अपडेट मिलती रहेगी। मोबाइल से संबंधित न्यू चैनल है तो दोस्तों सपोर्ट करिए और अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे टेक्नीशियन भाई हमारे यूट्यूब पे प्रॉपर जानकारी नहीं डालते हैं, कुछ जानकारी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत यूनिक जानकारियाँ दूंगा। तो दोस्तों, चलिए हम इस जैक को रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले ये मेम्ब्रोन हटा लेते हैं, मेम्ब्रोन अगर नहीं हटाएंगे आप तो ये जल जाएगा, फिर बटन को लगाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मेम्ब्रोन हटा लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेम्ब्रोन हटा लिया, इसको हम स्टैंड में लगा सकते हैं। इसको स्टैंड में लगा लिया है। तो दोस्तों, इसका अब हम जैक बदलेंगे। जैक बदलने के लिए हमको इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा लेना होगा। तो थोड़ा सा दोस्तों हम पेस्ट लगा लेते हैं। देखो, हल्का सा चारों तरफ जैक के पेस्ट लगा लेंगे तो क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होता है क्योंकि ये आसानी से निकलता है, इसका प्रिंट डैमेज नहीं होता है। और असेंबली की ही 400 पे रख लेंगे हम A3। देखिए दोस्तों, बहुत आसानी से निकलेगा ये। देखिए पेस्ट थोड़ा थोड़ा खोलने लगा दोस्तों, जैसे पेस्ट खोलने लगे तो जैक को हम हटा लेंगे। असेंबली को राउंड करना है और हमारा जैक जो है ना दोस्तों, वो लगभग निकलने के लिए रेडी है। देखिए दोस्तों, अभी मेल्ट नहीं हुआ है, अभी हल्का हल्का मेल्ट हो रहा है दोस्तों। देखिए आराम से निकल आया है। देखिए, एक भी प्रिंट दोस्तों डैमेज नहीं हुआ है। हमें काम करते वक्त सावधानी बरतनी है। तो दोस्तों, अब इसका हम एक जैक ले लेते हैं। दोस्तों, हम एक जैक ले लेते हैं, जियो का जैक है ये। इस जैक को दोस्तों हमें रिफोल्ड करना होता है। उसके लिए क्या करना है, हमें हल्का सा पेस्ट लेना है, बहुत ही हल्का सा पेस्ट लेना है चिमटी पे और इस जॉइंट पे लगा देना है, जिससे कि क्या होगा, ये मजबूत हो जाता है, जॉइंट ओपन नहीं होता। और हमारा जैक ज़्यादा दिन तक चलता है। देखिए, जॉइंट पे लगा दिया है, इसको भी रिफोल्ड कर लेते हैं। इसको रिफोल्ड कर लेते हैं, रिशोल्ड करने से दोस्तों फ़ायदा होता है कि जैक आसानी से लग जाता है और आसानी से चिपक जाता है।